ये जो सिलेंडर है उसका ये जो गोलाई वाला पार्ट होता है उसका जो कर्व्ड पार्ट होता है उसका एरिया दे रखा है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है दे रखा है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट दोनों रेडियस को ज्वाइन करती हुई क्या बनती है हाइट वो हमें कितनी दे रखी है फोर्टीन सेंटीमीटर दे रखी है और इसके गोलाई वाले पार्ट के लिए राउंड शेप पार्ट के लिए का एरिया दे रखा है हमें दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर अब आगे क्या कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर हमें डायमीटर निकालना है किसका बेस का सिलेंडर के बेस का हमें डायमीटर यहां से लेके यहां तक का ये वाला निकाल लीजिए या ऊपर वाला निकाल लीजिए बात एक ही है दोनों सेम ही आएंगे तो हमें डायमीटर निकालना है तो हम लेट कर लेते हैं लेट द डायमीटर बी डी सेंटीमीटर राइट और रेडियस भी नहीं पता है हमें तो एंड रेडियस भी आठ सेंटीमीटर हो गया रेडियस राइट right? और हमें क्या दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर कहें या सिलेंडर कहें बात एक ही है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है सर्कुलर सिलेंडर वो कितना दे रखा है दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है राइट right? और क्या दे रखा है हमें हाइट दे रखी है हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है हमें दैट इज 14 सेंटीमीटर अब हमें क्या निकालना है रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाए आर एच अब कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है 88 ये देखिए ये दे रखा एट्टी एट यहां पे भी लिखा था इक्वल्स टू अब टू एज इट इज पाई की वैल्यू हमें पता है जो दी भी होती है बुक में वही लिखते हैं अदरवाइज ट्वेंटी टू 7 सेवन आर को हमने आर मीन रेडियस रेडियस क्या मानता आर ही माना था तो आर ही लिख लेंगे और हाइट कितनी दे रखी थी हमें फोर्टीन सेंटीमीटर तो एच की जगह हमने फोर्टीन लिख लिया अब आर अपनी जगह रहा अब आर अपनी जगह रहा 88 एट अपनी जगह रहा जो आर के साथ डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ गया इधर आके और जो आर के साथ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया ट्वेंटी टू इंटू फोरटीन आप कैंसिल कर देते हैं देखिए सेवन वन जो सेवन सेवन टू जो फोर्टीन ट्वेंटी टू वन जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू फोर जो इज एटी एट टू वन जो टू 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 जो फोर एंड टू वन जो टू टू वन जो टू तो आर कितना आ गया हमारा वन सेंटीमीटर अब हम क्या निकालना था क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में निकालना था डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर तो डायमीटर क्या होता है टू आर तो दैट मींस टू इंटू आर की वैल्यू वन थी तो कितना आ गया टू सेंटीमीटर तो इसका मतलब हमें हमारा इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का डायमीटर आ गया टू सेंटीमीटर इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन आओ क्वेश्चन नंबर टू इज इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंट्रिकल टैंक ऑफ हाइट वन मीटर एक हमें क्या बनाना है क्लोज सिलेंट्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट वन मीटर है एंड द बेस डायमीटर इज वन फोर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट और जिसका डायामीटर बेस का डायमीटर जितना बेस का डायमीटर होता है उतना ही टॉप का डायमीटर होता है हमेशा ध्यान रखिएगा और हमारा डायमीटर कितना है वन सेंटीमीटर और हाइट याद रखिएगा मीटर में दे है वन मीटर वो हमें मेटल शीट से बनाना है सिलेंड्रिकल टैंक हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम हमें ये बताना है कि इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए ध्यान रखिएगा क्लोज्ड टैंक बनाना है ऊपर से भी बंद बन बनाना है इस सिलेंट्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड है ये बतानी है तो हम सबसे पहले अपना टैंक बना लेते हैं देखिए ये है हमारा सिलेंट्रिकल टैंक और इसका डायमीटर दे रखा है हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी है 140 सेंटीमीटर और हमारी हाइट कितनी दे रखी है ट इज वन मीटर राइट वही लिख रही हूं यहां पर हाइट दे रखी है हाइट ऑफ टैंक दे रखी है हमारी वन मीटर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कि कितनी शीट रिक्वायर्ड है मीटर में पूछा है तो हम इसको मीटर में ही रहने देंगे सेंटीमीटर्स में चेंज नहीं करेंगे हम डायमीटर को चेंज कर लेंगे अब हमें डायमीटर कितना दे रखा है डायमीटर ऑफ टैंक दे रखा है हमें दैट इज 140 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ टैंक कितना आ गया डायमीटर का आधा दैट इज 140 फोर्टी डिवाइडेड बाई टू कर देंगे 70 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो हमें पता है देखिए मीटर को सेंटीमीटर ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय हंड्रेड तो ये कितना आ जाएगा पॉइंट सेवन ज़ीरो मीटर आ गया राइट right? हमारा रेडियस पता चल गया अब हमें कितना शीट रिक्वायर्ड है क्लोज क्लोज टैंक टैंक टैंक। बनाने के लिए. के लिए, लिए हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ जितना टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक आएगा उतनी ही मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी तो कैसे निकालते हैं तो देखिए इस सर्कुलर पार्ट का एरिया प्लस ऊपर वाले और नीचे वाले सर्कल का एरिया तो सर्कुलर पार्ट का एरिया कर्व सरफेस एरिया क्या होता है टू पाई आर एच प्लस अब अगर ऊपर का सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर नीचे का होता है पाई आर स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा टू पाई आर स्क्वायर राइट तो अब वैल्यूज पुट कर देंगे अब देखिए टू इन टू पाई की वैल्यू हमें पता है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन होती है आर था हमारा पॉइंट सेवेंटी और हाइट थी हमारी वन प्लस इसी तरीके से टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन और हमारा आर दैट इज पॉइंट सेवेंटी इंटू पॉइंट सेवेंटी हो गया राइट right? अब पॉइंट हटा दिया नीचे हंड्रेड लग गया इसी तरीके से यहाँ से पॉइंट हटा दिया और यहां से पॉइंट हटा दिया राइट right? अब कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल हो रहा है सेवन वन ज सेवन इसी तरीके से सेवन वन जर सेवन और एक जीरो यहाँ गया एक जीरो यहाँ गया आप कैलकुलेट करके लिख देंगे कि कितना क्या आया है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई तो कितना आ गया टू इंटू ट्वेंटी टू इज फोर्टी फोर अपॉन टेन प्लस आप देखिए टू इंटू ट्वेंटी टू इज फोर्टी फोर फोर्टी फोर सेवनज़ा फोर्टी फोर सेवनजा सेवन फोर जॉ ट्वेंटी एट थर्टी तो ये आ गया थ्री जीरो एट अपॉन हंड्रेड राइट और इसको क्या लिख सकते हो फोर पॉइंट फोर लिख सकते हो देखिए टेन था तो एक के बाद पॉइंट लग गया इसी तरीके से दो जीरो हैं तो दो के बाद पॉइंट लग जाएगा प्लस थ्री पॉइंट जीरो एट तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक कितना आ गया दैट इज सेवन पॉइंट फोर एट आ गया और यूनिट क्योंकि मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर अब जितना हमारा टोटल सर्फेस एरिया ऑफ टैंक आया उतनी ही हमारी मेटल शीट यूज हुई है इस टैंक को बनाने के लिए तो मेटल शीट यूज फॉर मेकिंग टैंक फॉर मेकिंग टैंक इज इक्वल्स टू सेवन पॉइंट फोर एट मीटर में स्क्वायर में पूछा था इसलिए मीटर स्क्वायर इज द आंसर